बोलो प्रिय, आज क्या अहित हुआ है मुझसे या किसी अन्य जन से? प्रिय, क्या आज मैं इतना अप्रिय हो गया हूं कि इन रक्तां पंखुड़ियों जैसे ओंठों के दो बोलों को तरसूं? बोलो प्रिय, क्या अपराध हुआ है मुझसे या किसी अन्य से? दोषी किसको दंड दोगे राजन? जब बेल स्वयं फूलों को खा जाए, जब प्रिय प्रिय कहने वाले अमृत के नाम पे गरल पिलाए, जब राजा स्वयं दोषी हो तो न्याय कौन करेगा, कौन दंड देगा उसे? ये मैं क्या सुन रहा हूं? आज पहली बार रघुकुल की मर्यादा पर आक्षेप हुआ है, पर वो भी अपने खर्ची दीवार से। पहली बार मेरे न्याय को चुनौती मिली है, पर वो भी अपनी पत्नी से। बोलो क्या कही, क्या दोष है मेरा और क्या दंड देना चाहती हो मुझे? दोष राजन आपका नहीं, मेरा है, मेरे भाग्य का है, मेरे पिता श्री का है, जिन्होंने आपके वचनों के ऊपर विश्वास कर लिया था। और वो देव दैत्य में युवक दूसरा वचन तो नहीं भूल गए? कैसी बातें करती हो रानी, तुम्हारे दोनों वचनों का जीवन रहते पालन किया जाएगा। जीवन के कहते हो महाराज, ये तो उससे भी परे की बात हो सकती है। क्या नहीं कर सकते तो कीजिए वचन पूरे महाराज। मांगो। एक से भरत को योद्धा का राज और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तुम बोल रही हो? राम ने जिसे अपनी मां से पढ़कर चाहा, क्या वो माँ बोल रही है? क्या कही, धरती पर से माता के पद को कलंकित मत कर।